हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ध्वनिस किचन। आज हम बाजार में मिलने वाली क्रिस्पी भाखरी बनाएंगे। इसे हम बिस्किट भाखरी भी कह सकते हैं। वैसे तो ये भाखरी कई टाइप की बन सकती है, जैसे प्लेन भाखरी या फिर मसाला भाखरी, धनिया जीरा या फिर फुदीना डाल के भी हम ये भाखरी बना सकते हैं। लेकिन आज हम बनाएंगे मेथी मसाला भाखरी। ये भाखरी आप कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो आप इसे लेके जा सकते हैं, क्योंकि ये लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्किट भाखरी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे हाफ कप जितना गेहूं का दरदरा आटा लिया है, जिसे हम लड्डू बनाने के लिए यूज़ करते हैं। ये आटा क्रिस्पी भाखरी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है, इससे ही भाखरी क्रिस्पी बनती है। अगर आपके पास ये आटा नहीं है तो आप सूजी भी ले सकते हैं। हाफ कप जितना मैंने रोटी बनाने के लिए जो गेहूं का नॉर्मल आटा लेते हैं वो लिया है। अब इसमें सारे मसाले डाल देंगे, नमक, लाल मिर्च हाफ टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून अजवाइन, जीरा 1/4 टीस्पून, धनिया जीरा पाउडर हाफ टी स्पून, 1 टीस्पून तिल, 1 चम्मच जितना घी। यहाँ पे घी लेना बहुत ही ज़रूरी है, इससे भाखरी क्रिस्पी बनेगी। मैंने यहाँ पे हाफ कप जितनी मेथी की भाजी ली है और इसे मैंने धो के 15 से 20 मिनट के लिए ड्राई कर लिया था और फिर मैंने इसे ऐसे कट कर लिया है। अब एक पैन में 2 टेबलस्पून जितना ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होने के बाद 1/2 टीस्पून अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट, और फिर हम उसमें जो मेथी की भाजी है वो सौते करेंगे। इसे मैंने 1 मिनट के लिए सौते कर लिया है। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है। इसे ऐसे सौते करने से इसकी जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी और भाखरी भी लंबे टाइम तक हम स्टोर कर सकते हैं। पहले हम इसे ऐसे चम्मच से मिक्स करेंगे, फिर मैंने इसे हाथ से 1 मिनट तक ऐसे मिक्स कर लिया था और सारे मसाले इसमें अच्छे से ऐसे मिक्स करने हैं। और इसमें जो हमने घी और ऑयल का मोन डाला था वो अच्छे से होना चाहिए, इतना बाइंडिंग आ जाना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो फिर से आप इसमें घी या ऑयल डाल सकते हैं। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका सख्त आटा तैयार करेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमें ये भाखरी क्रिस्पी बनानी है तो इसमें मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। तो मैंने ये आटा लगा दिया है। 15 से 20 मिनट के लिए हम इसे ऐसे रेस्ट पे रखेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद फिर से हम इसे थोड़ा सा मसल लेंगे। अब देख सकते हैं ये आटा कितना सख्त है। अगर हम बिना मसाला यूज़ के प्लेन भाखरी या जीरा भाखरी बनाते हैं तो आप इसमें दूध डाल के भी आटा लगा सकते हैं। अब हम इसे बेल लेंगे। अगर इसे बेलते टाइम साइड इसकी फट जाती है तो इसे ठीक करते करते हम इसे बेल लेंगे। मैंने ये भाखरी थोड़ी सी ठीक रखी है। अब कोई भी राउंड शेप का कटर या ग्लास या कोई भी वाटकी लेके आप इसे कट कर सकते हैं। तो मैंने इसे ऐसे कट कर लिया है और बाकी का जो आटा है इसे फिर से हम इसकी लोही बना के फिर से भाखरी बेल लेंगे। तो ऐसे हम इसे कट करके फिर इसकी जो साइड है इसे ऐसे प्रेस करके इसका जो प्रॉपर फिनिशिंग है वो कर लेंगे, ताकि ये लुक में अच्छी लगे और ये भाखरी फूले नहीं। इसीलिए मैंने इसे ऐसे नाइफ से ऐसे बीच में कट कर लिया है। अब हम इसे सेक लेंगे। तो मैंने इसे नॉनस्टिक में ऐसे सेकने के लिए रख दिया है। गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़े टाइम के बाद गैस की फ्लेम थोड़ी सी हाई कर सकते हैं, लेकिन इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही सेकना है, ताकि इसमें से अच्छे से मॉइस्चर चला जाए और ये भाखरी अच्छे से सीख जाए। थोड़े टाइम के बाद इसकी ऐसे साइड चेंज करेंगे। अब इसमें थोड़ा थोड़ा घी लगा के हम इसे ऐसे सेक लेंगे। इसकी साइड चेंज करके अब नीचे की साइड हम ऐसे ऐसे दबाने का जो होता है इससे हम सेक लेंगे। अगर ऐसा आपके पास नहीं है तो आप कॉटन का कपड़ा लेके भी इसे आप सेक सकते हैं। अब दूसरी साइड पे घी लगा के इसे ऐसे साइड चेंज करके फिर से हम ऐसे सेक लेंगे। तब तक हम दूसरी भाखरी है इसकी भी साइड चेंज कर लेंगे।
तो ऐसे करके हम सारी भाखरी एक के बाद एक सेक लेंगे। तो ये भाखरी अब अच्छे से सिक गई है और ये क्रिस्पी भी बन गई है। भाखरी बनने के बाद हम इसे ठंडा होने तक बाहर ही रखेंगे और ये अच्छे से ठंडी हो जाए बाद में ही इसे एयरटाइट कंटेनर में रखना है और इसे हम एक वीक तक स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसे गर्म ही ऐसे स्टोर करते हैं तो ये भाखरी थोड़ी सी ढीली हो जाएगी और ये इसमें मॉइस्चर आ जाएगा तो ये भाखरी बिगड़ भी सकती है, तो इसे ठंडा करके ही स्टोर करें।